अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है और बाजार आज भी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में निफ्टी ने 11,760 के ऊपरी स्तर को छुआ। हालांकि छोटे मझौले शेयरों में सुस्त कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 202 अंक और निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल ऑटो शेयरों में खरीदारी रही, वहीं तेल गैस और रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। रजत मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए। रजत जी बिल्कुल, आज भी अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का सहारा मिला और शुरुआत से ही देख रहे थे कि बाजार में एक अच्छी तेजी बनी। निफ्टी फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोज होता हुआ नजर आया और लेटर हाफ में तो बैंकिंग शेयर्स पे भी निचले स्तर से खरीदारी ही देखने को मिली, जो दिन भर एक सुस्ती का माहौल था। हाँ, हालांकि सरकारी बैंक आज थोड़ा वीक जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन निफ्टी पे जो चढ़ा वो था हिंडालको, सबसे ज्यादा चढ़ा परसेंटेज के लिहाज से। इसके अलावा अदानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव था। कमजोरी थी आज तेल गैस में, जिसमें गेल में आज मुनाफा वसूली दिखाई दी। HPCL कमजोर हुआ। इसके अलावा येस बैंक और सिप्ला जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर आज ट्रेडर्स नेगेटिव थे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आज पेरिफेरल्स यानी कि मिड कैप स्टॉक्स जो थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स, वहां पर ज्यादा खरीदारी हो रही थी। इसमें दो पॉकेट्स थे, एक था ऑटो एंसिलरी और दूसरा फर्टिलाइजर। ऑटो एंसिलरी में मुंजाल ऑटो, शिवम ऑटो, मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोवा और ऑटो एक्सेल जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर जबरदस्त रिटर्न मिले हैं ट्रेडर्स को आज। साथ साथ फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स जो थे वहां पर भी आज मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। मेटल माइनिंग में हिंडालको वेदांता तो चढ़े ही, साथ ही साथ GMDC, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पर भी तेजी ज्यादा बनती हुई नजर आई। लेकिन एक तबका ही कमजोर था, सरकारी बैंक्स का दिन नहीं था जिसमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और PNB शामिल थे, दबाव देखने को मिल रहा था। ऊपर से जो आज स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स का दिन था उसमें फाइजर, अदानी ट्रांसमिशन, रेडिंगटन और साथ साथ जेट एवेज कमजोर नतीजों के बावजूद इस स्टॉक ने जोरदार रफ्तार पकड़ी और 4.5% के रिटर्न, ज्यादा वॉल्यूम्स लेटर हाफ में देखने को मिले। ठीक है, शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।